बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारी इस वीडियो में हम गुड अनाफ ड्रॉ पर्सन टेस्ट के बारे में जानेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हिस्ट्री क्या है, इसको एडमिनिस्टर कैसे करते हैं, इसकी स्कोरिंग कैसे होती है और इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे की जाती है। वन बाय वन हम इन तमाम आस्पेक्ट को डिस्कस कर रहे होंगे। पहले हम ये देखेंगे कि गुड अनाफ टेस्ट है क्या। दरअसल ये एक साइकोलॉजिकल पर्सनैलिटी एंड कॉग्निटिव टेस्ट है जो कि बच्चों को वैल्यूएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें बच्चे और एडोलेसेंट्स दोनों को दोनों के लिए एडमिनिस्टर किया जा सकता है। इसमें हम मेजर करते हैं उनके नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, उनके इमोशनल और बिहेवियर डिसऑर्डर्स को भी स्क्रीन कर सकते हैं। ये कैसा टेस्ट है जिसमें सब्जेक्ट से कहा जाता है कि वो एक पर्सन की वो कुछ उसने पिक्चर्स ड्रॉ करनी होती हैं और ये पिक्चर जो हैं वो एक मैन की, वुमेन की और उनकी अपनी ज़ात की होती हैं। इसमें कोई फर्दर इंस्ट्रक्शंस नहीं होती, कोई ख़ास तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, बल्कि उसी के बेसिस पे आप पर्सनैलिटी के डिफरेंट एरियाज़ को एनालाइज कर रहे होते हैं। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो इसे गुड अनाफ फ्लोरेंस ने 1926 में डेवलप किया था और उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि साइमन बीने इंटेलिजेंस टेस्ट के इक्वेलेंट या उसके सप्लीमेंट के तौर पर कोई नॉन वर्बल मेजर जो है वो इंट्रोड्यूस कराई जाए। तो उसने कंक्लूड किया कि इसके बच्चों के साथ ड्राइंग को हम लेके चल सकते हैं और ये एक ऐसा टूल है कि जिसमें कि वो अपनी असेसमेंट हमें दे सकते हैं डिफरेंट पिक्चर्स ड्रॉ करके, और इस तरह से हम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जिसमें कि वर्डिंग इन्वॉल्व नहीं होगी और इस तरह हम एक दूसरे अंदाज में, नॉन वर्बल अंदाज में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे होंगे। डायरेक्शन इसमें बहुत ही सादा सी है जो कि पार्टिसिपेंट को दी जाती हैं। उसे ये कहा जाता है कि वो एक पिक्चर बनाए और ये पिक्चर जो है वो तीन तरह की पिक्चर बनाएगा। एक पिक्चर मैन से मुतल्लिक है, एक पिक्चर वुमेन से मुतल्लिक है और एक पिक्चर उसकी अपनी सेल्फ से मुतल्लिक है। उसके साथ कोई ख़ास तरह की इंडिकेशन नहीं दी जाती, बल्कि उसको कंफर्टेबल किया जाता है और उसको मोटिवेट किया जाता है कि वो इसका कोई नाम देना चाहे, इसकी एज के बारे में, इसके एक्सप्रेशन या फीलिंग्स के बारे में कोई चीज़ एलेबोरेट करना चाहे तो वो फर्दर इसके साथ अटैच कर सकता है। स्ट्रिक्टली कोई टाइम लिमिट्स नहीं है, लेकिन जनरली स्पीकिंग 10 मिनट में बच्चे इस टेस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। एक और चीज़ जो इसमें इम्पॉर्टेंट है कि ये बच्चों की इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही होती है जो इसके स्कोर्स के बेसिस पे मैं आपको एलेबोरेट कर दूँगी। स्कोरिंग हम इसकी किस तरह से करते हैं कि जब बच्चा ड्राइंग बना लेता है, बच्चा या एडोल, ये दोनों एज ग्रुप के लिए है, चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स के लिए है। तो जब वो अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे पास इसी टेस्ट में कुछ पैरामीटर गिवन है। उन पैरामीटर के बेसिस पे हम ड्राइंग के डिफरेंट आस्पेक्ट्स को जज कर स्कोर करते हैं, बल्कि क्रेडिट करते हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि या हम उसे +1 क्रेडिट करेंगे या हम उसको 0 क्रेडिट करेंगे। इनको आप पॉइंट्स में क्रेडिट नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको लगता है कि कोई स्टैंडर्ड हाफ मेट है, यानी आधी डिस्क्रिप्शन मौजूद है, तो हम उसको 0.5 मार्क्स दे दें। ऐसा नहीं है। कम्प्लीटली अगर कोई चीज़ मौजूद है तो हम उसे 1 क्रेडिट करेंगे, और अगर वो मिसिंग है, कुछ उसमें से प्रोवाइडेड है और कुछ मिसिंग है, तो डेफिनेटली हम उसको 0 क्रेडिट कर रहे होंगे। या आप देख सकते हैं कि स्कोरिंग हम इसमें कैसे करते हैं। अगर हमें लगता है कि एमलेसलेस उसको अनकंट्रोलेबल है और चीज़ें उसने सही से डिपेक्ट नहीं की, तो उसको 0 क्रेडिट किया जाएगा। और अगर हमें लगता है कि चीज़ें जो हैं वो राइटली डिस्क्राइब्ड हैं, तो वहाँ हम उसे 1+ क्रेडिट करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये किन बेसिस पे, यानी किन पैरामीटर की बेसिस पे ये स्कोरिंग की जाती है, उसे हम देखेंगे। इस कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो कैटेगरी ए है वो है ग्रॉस डिटेल्स, हेड, लेग्स, आर्म, ट्रंक, लेंथ ऑफ ट्रंक ग्रेटर देन द ब्रेथ, शोल्डर्स और इस तरह की चीज़ें, इनको हम ग्रॉस डिटेल में शामिल करते हैं। और ये फर्स्ट कैटेगरी यानी ए कैटेगरी कहलाती है। इसके बाद जो बी कैटेगरी है वो फर्दर अटैचमेंट्स हैं, यानी इन ग्रॉस एलिमेंट्स के साथ फर्दर अटैच्ड क्या है उसकी बेसिस पे क्रेडिट किया जाता है। जैसे बोथ आर्म्स एंड लेग्स अटैच्ड, आर्म्स एंड लेग अटैच्ड, नेक प्रेजेंट, आउटलाइन ऑफ द नेक कंटिन्यू, या हेड ट्रंक और बाकी चीज़ों के बारे में इसमें बताया जाता है। इसके बाद
इसकी जो सी कैटेगरी है उसमें हेड की डिटेल्स हैं, आइज प्रेजेंट हैं, नोज प्रेजेंट है, माउथ है, नोज और माउथ दोनों की डायमेंशंस मौजूद हैं, लिप्स शोन है और इसी तरह से बाकी डिटेल्स अगर मौजूद हैं तो वहाँ हम उसे क्रेडिट कर रहे होते हैं। फर्दर जो डी कैटेगरी है उसमें क्लोदिंग के ऊपर क्रेडिट किया जाता है, क्या क्लोदिंग प्रेजेंट है। फर्दर हम ये देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ें हैं, हैट है, कोई ट्राउज़र है, या फर्दर उसको किस तरह से डिस्क्रिपेंसी उसकी स्लीव्स के साथ ट्राउज़र्स के साथ किस तरह से दी गई है, और कोई इस तरह की जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी। ये तमाम पॉइंट्स मैनुअल में मेंशन है और इन ईच पैरामीटर्स पे जब आप रेटिंग कर रहे होते हैं तो वो डिटेल्स आपके सामने होती हैं। इन द लाइट ऑफ दोज डिटेल्स आपने इसे क्रेडिट या नॉन क्रेडिट करना होता है। आफ्टर इट जो इसका ई कैटेगरी है वो हैंड डिटेल्स हैं, इन यानी फिंगर्स प्रेजेंट हैं, करेक्ट नंबर ऑफ फिंगर दिखाया गया है, फिंगर और उनकी डायमेंशंस कैसी हैं, लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रेथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंगल्स क्या हैं, और उसके फिर थम्स अवेलेबल हैं, ये तमाम डिटेल्स जो हैं फिर इनको हम वन बाय वन देखते हैं और डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग इसको क्रेडिट कर रहे होते हैं। एफ कैटेगरी जो है वो जॉइंट्स के बारे में है कि क्या आर्म्स के जॉइंट्स शो हैं, एल्बोज हैं, शोल्डर्स हैं और उनके जॉइंट्स हैं, इसी तरह लेग के जॉइंट्स वगैरह की डिटेल्स मौजूद है, इन पॉइंट्स पे भी क्रेडिट किया जाता है। देन जी कैटेगरी में प्रोपोर्शन है, यानी जो भी चीज़ें इसमें डिस्क्राइब की जाती हैं क्या वो प्रोपोर्शनेट हैं। फॉर एग्जांपल अगर हेड जो है वो हाफ है और ट्रंक 1/10 है, यानी ये एक प्रोपोर्शन है जिससे कि बॉडी एक प्रोपोर्शनेट पोर्शन में नज़र आती है, एक बैलेंस्ड जिस तरह ह्यूमन बॉडी होती है उससे रिजेंबल कर रही होती है, तो ये प्रोपोर्शन की कैटेगरी को हम इन गिवन पॉइंट्स के ऊपर रैंक कर रहे होते हैं। आप देख सकते हैं कि हेड, आर्म्स, लेग, फीट, इस तरह तमाम डिटेल्स और उनकी डायमेंशंस मौजूद है जिस पे कि इसको रेट किया जाता है। ये इसका टेबल है जो स्कोर्स और मेंटल एज को इंडिकेट करता है कि क्या स्कोर है तो वो किस मेंटल एज की डिपेक्शन करता है। ये एक एग्जांपल मौजूद है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक ड्राइंग है तो ये हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर है जिनके बेसिस पे हम उसे क्रेडिट या नॉन क्रेडिट कर सकते हैं। थोड़ी और मैं डिटेल आपको इसकी एनालिसिस की ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर हेड है तो एक्चुअली इसका क्वालिटेटिव पार्ट है। इसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि जो पॉइंट बेस्ड है वहाँ पर तो आप उसकी मेंटल एज, इंटेलेक्चुअल एज को फाइंड आउट कर लेते हैं या स्क्रीन कर लेते हैं उसकी बाकी बिहेवियरल या इमोशनल कंडीशंस को, लेकिन इनके बेसिस पे आपको बहुत सी और डिटेल इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। जैसे आप जानते हैं कि जितने भी हमारे नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं तो वो हमें कुछ इनडायरेक्ट प्रोजेक्टिव नेचर की भी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि हेड जो है ये सेंटर ऑफ इंटेलेक्चुअल पावर है, सोशल बैलेंस को कंट्रोल और इम्पल्सिस को देख रहा होता है। तो डिस्प्रोपोर्शनेट अगर हेड है तो इसे हमें मालूम ये पड़ता है कि दरअसल पर्सन को डिफ़िकल्टी है किन एरियाज़ में, कोई ब्रेन डैमेज हो सकता है, स्वेयर हेडेक हो सकती है, क्या हेड से मुतल्लिक कोई भी सेंसिटिविटी इस पार्ट में आ सकती है। लार्ज हेड जो है ये पैरानॉइड नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, और ज़रूरत से ज़्यादा नॉन प्रोपोर्शनेट स्मॉल हेड जो है ये वीकनेस को, इंटेलेक्चुअल इंफीरियरिटी को शो करता है। इसी तरह से नेक की प्रेजेंस या एब्सेंस भी फर्दर इंडिकेशंस रखती है। फेस अगर ओमिटेड है तो उस सूरत में हम उसे कहते हैं कि ये सोशल प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाता, अवॉइड करता है, ऐसी सिचुएशन की इंडिकेशन है। और आइज़ जो हैं ये रिवील करती हैं उसके इनर इमेज को कि वो अपनी सेल्फ को किस तरह से देखता है। टाइनी आइज़ क्यूरोसिटी को शो करती हैं, और अगर क्लोज्ड आइज हों तो वो इमोशनली इमेच्योरिटी को डिपिक्ट करती हैं। इसी तरह से बाकी जो फीचर्स हैं जैसे नोज़ है, एक्चुअली अगर ट्रायंगुलर नोज़ बनाया गया है तो ये इमेच्योरिटी का एक साइन है, पॉइंटेड नोज़ है तो ये एक्टिंग आउट टेंडेंसीज को शो करता है। इसी तरह चिन जो है ये शामिल है या नहीं है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और किस तरह से ये वीकनेसेस को या इन डिसीजन मेकिंग को या फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंडिकेट कर रही होती है। माउथ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है,
डिस्टॉर्टेड माउथ जो है ये लोगों की सेक्चुअल डिफ़िकल्टीज़ को एम्फेसिस करता है, और इसी तरह से बहुत ही छोटा अगर माउथ हो तो ये भी डिनाइल को या ओरल डिपेंडेंस को शो कर रहा होता है। आर्म्स और हैंड भी फर्दर डिस्क्रिप्शन देते हैं, उनकी ओमिशन, उनकी प्रेजेंस फर्दर इंडिकेट करती है। अगर ओमिटेड है तो वो रिप्रेजेंट करते हैं कि पर्सन का विड्रॉल रिएक्शन है, और अगर इसी तरह से फर्दर उसकी अनएक्सेप्टेडनेस को भी इंडिकेट कर रहा होता है कि उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, या सोशल कॉन्टेक्स्ट में खसूसन फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंडिकेशन देता है। फिंगर्स ज़्यादा लंबी बना दी जाएँ तो इससे भी ओवरली एग्रेसिवनेस पर्सन की शो होती है, और अगर ज़्यादा छोटी हो तो उसकी रिजर्वनेस शो होती है। टोज अगर शामिल हैं ड्राइंग में तो ये इंडिकेट कर रहा होता है कि ये भी एक साइन ऑफ एग्रेशन है। और अगर फीमेल के ड्राइंग में हम देखें तो पेंटेड अगर टो नेल्स हैं तो ये उसकी फीमेल एग्रेशन को इंडिकेट करता है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डेफिनेटली ये हमें इजी टू एडमिनिस्टर नज़र आता है, कोई स्ट्रिक्ट फॉर्मेट नहीं है, इसमें हमें कल्चरल फ्री होने के एलिमेंट्स भी नज़र आते हैं, और इसमें लोगों को कम्युनिकेट करने में भी प्रॉब्लम कम होता है। ऑन दी अदर साइड इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं डेफिनेटली। रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में ही हाइपोथेसिस हम इस पर डिवेलप कर सकते हैं, और इसमें नॉन वर्बल रेलिवेंसी है, लेकिन हमें फिर भी इसके दौरान कुछ फर्दर इंक्वायरीज जो हैं उसके लिए डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। अगर आपको फर्दर कोई क्यूरीज और क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं, और हमें ईमेल के थ्रू भी पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।